शमशाबाद सुग्राम बरखेड़ा जागीर की हायर सेकेंडरी स्कूल में कराए गए पेपर, 40 स्कूलों के बच्चे पहुंचे। बच्चों ने बड़े उत्साह से दिए पेपर। उधर काशी नौगांव में विजिलेंस ने 8000 रिश्वत लेते डॉक्टर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पशुपालन विभाग में तैनात थे डॉक्टर, बकरी लेने की अनुदान राशि के एवज में मांगी। बुरहानपुर जिले के 21 जनवरी से संविदा और आउटसोर्स बिजली कर्मचारी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर। हड़ताल में 450 से ज्यादा कर्मचारी होंगे शामिल। मंदसौर के लिए प्रवास के दौरान नागदा में सर्किट हाउस पर रुके राज्यपाल मंगू भाई। राज्यपाल ने पत्रकारों से चर्चा की, शहर की विशेषता पर की चर्चा। कानपुर से रीवा आई बारात में नाच रहे एक व्यक्ति को आया हार्ट अटैक, मौके पर हुई मौत। वीडियो में कैद हुई घटना, परिवार की खुशियां मातम में बदली। रामघाट में भक्तराज गुहा जयंती धूमधाम से मनाई गई। निषाद समाज के आराध्य देव शिरोमणि गुहाराज निषाद की जयंती, विधायक कुंवर सिंह निषाद रहे मौजूद। बालाघाट के लाल बर्रा तहसील में शासकीय भूमि से हटाया अवैध अतिक्रमण, 20 करोड़ की भूमि को करवा दिया खाली। तहसीलदार एवं थाना प्रभारी भी मौके पर रहे मौजूद। रायसेन में चुनाव का बहिष्कार करेगी विश्वकर्मा समाज। समाज की बैठक में लिया गया निर्णय, हर उस पार्टी का विरोध करेगी जो उनको महत्व नहीं देती। हमीरपुर में आर्यवर्त बैंक का शटर के ताले तोड़कर नकाबपोश बदमाश घुसे बैंक में। एक सप्ताह में दूसरी बार चोरी के इरादे से तोड़े बैंक के ताले, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बदमाश। बेगमगंज में सिद्ध इच्छैया धाम पर भागवत कथा में शामिल हुए विधायक रामपाल सिंह राजपूत, क्षेत्र की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। 1 जनवरी से भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश खारिज। गैर मुस्लिम बच्चों के प्रवेश अन्य विद्यालयों में कराए जाने की करी थी मांग। कानपुर देहात में केंद्रीय मंत्री के आश्रम में निर्माणाधीन गेस्ट हाउस में शटरिंग टूटकर गिरी, मजदूरों में मची चीख पुकार। शटरिंग के मलबे में दबकर घायल हुए मजदूर। नागौर जिले के दिवाना में किसान केसरी बलदेव राम मिर्जा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 134 जयंती धूमधाम से मनाई गई। किसान विश्राम गृह में निःशुल्क आंखों का कैंप किया गया आयोजन। लखनऊ में एसटीएफ को मिली सफलता, सीटीईटी की परीक्षा का पेपर आउट करार। अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर भर्ती कराने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। बदायूं में रोडवेज बस ने मारी युवक को टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। पीएम ने कर्नाटक को 10,800 करोड़ की दी सौगात, कहा पिछली सरकार ने वोट। जोशीमठ में इमारत गिरने का काम जारी, जेसीबी में मदद से तोड़ा गया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। सीएम धामी बोले, यहां 70% लोगों का जीवन सामान्य। स्वाति मालीवाल को कार ने घसीटा, नशे में धुत ड्राइवर ने की बदतमीजी। सड़कों पर रियलिटी चेक करने निकली थी दिल्ली महिला आयोग प्रमुख। पहलवानों के पक्ष में उतरी फोगाट खाप, चरखी दादरी में बुलाई सर्वखाप पंचायत। स्वामी दयाल धाम पर जुटेंगे लोग, बड़ा फैसला। सीएम योगी की टीम पहुंच रही अहमदाबाद, निवेशकों को आमंत्रित करने पहुंचे दो कैबिनेट और एक राज्य मंत्री। टोरेंट फार्म के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। देवरिया पुलिस ने लूट का किया खुलासा, 4 बदमाश गिरफ्तार, 2.5 लाख कैश बरामद। भाटपा रानी थाना क्षेत्र में हुई थी लूट की घटना। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर साधा निशाना, सीबीआई की उस रिपोर्ट को लेकर अखिलेश पर निशाना, आलीशान कोठियों का देना पड़ेगा हिसाब। चाइनीज मांझे का शिकार हुई शिक्षिका, शिक्षिका के गले में लगे करीब 35 चाके, स्कूटी से जाते वक्त मांझे से कटा गला। देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, गृह मंत्री अमित शाह से कल हुई मुलाकात, जोशीमठ मामले की दी पूरी रिपोर्ट। सचिवालय में सीएम धामी ने की अहम बैठक, जोशीमठ को लेकर हुई है समीक्षा बैठक, प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर हुआ मंथन।